फैमिली पपावेरेसी को आज हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें जो प्लांट हमने चूज़ किया है स्टडी करने के लिए, इसको बोलते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना। तो इसके रूट को देखिए, ये टैप रूट होता है, बिल्कुल नीचे की ओर ग्रो करता है। एंड दिस इज द टैप रूट जो कि नीचे की ओर ग्रो कर रहा है। फिर इसमें स्टेम इरेक्ट होती है, बिल्कुल ऊपर की ओर खड़ी होती है। फ्लावर इसमें ऊपर सॉलिटरी है, अलग से लगा हुआ फ्लावर सॉलिटरी से, दिस सॉलिटरी फ्लावर। स्टेम हर्बिशियस होता है, बहुत हार्ड नहीं होता और इरेक्ट होता है, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, दिस इज अ इरेक्ट स्टेम। लीव्स टूथेड होती हैं और लीव्स के मार्जिन पे कांटे निकले होते हैं। लीव्स ससाइल होती हैं, मीन्स जहाँ पे ये जुड़ती हैं यहाँ पे कोई भी पेटल नहीं पाया जाता। सी दिस स्ट्रक्चर, ये देखिए यहाँ पे कोई भी डंठल जैसी चीज नहीं है, डायरेक्टली ये जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये ससाइल कहलाती हैं। और मेन स्टेम या मेन ब्रांच, मेन पोर्शन पे ही ये लीव्स सारी जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस टाइप की अरेंजमेंट को काउलाइंड कहा जाता है, दिस इज नोन एज काउलाइंड। इसके फ्रूट की बात करें तो इसका फ्रूट कैप्सूल कहलाता है। ये देखिए ऊपर से एक फ्रूट दिख रहा है, दिस इज कैप्सूल एंड दिस इज द फ्लावर। अब हम इसके वेनेशन की बात करते हैं। लीफ की वेनेशन रेटिकुलेट है और अब बारी बारी फ्लावर्स और फिर उनके पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये एनुअल टू पेरेनियल हर्बेशियस प्लांट होता है, इसे हिंदी में शैल कंटक कहा जाता है और ये नेटिव ऑफ अमेरिका है, मीन्स अमेरिका से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। हरित क्रांति के दौरान ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी। सी दिस एक्सिलरी फ्लावर कंडीशन। अब हम फ्लावर को स्टडी करते हैं, इसके एक फ्लावर को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। और एक्चुअली इस फ्लावर में से ये देखिए येलो ब्राइट कलर्ड के दो पेटल्स नीचे भी आ गए हैं, तो टोटल 1 2 और ऊपर लगा हुआ ये 3 एंड 4, तो 4 पेटल्स जुड़े थे इस एक फ्लावर में। इस एक फ्लावर में 4 पेटल्स जुड़े हुए थे इन दिस फ्लावर, और बहुत सारे स्टेमेंस यहाँ नीचे भी गिर गए हैं। न्यूमरस स्टेमेंस होते हैं, एंथर बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद नॉर्मली ये जो येलो ब्रिलियंट कलर्ड पोर्शन होता है, जैसे कि कोरोला कहा जाता है, ये शेड ऑफ हो जाते हैं, यानी गिर जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, इसे कैप्सूल कहा जाता है, इसको कैप्सूल कहा जाता है। नीचे एक मेच्योर कैप्सूल है, ये देखिए दिस इज द मेच्योर कैप्सूल बना हुआ, इसके ऊपर कांटे कांटे जैसी स्ट्रक्चर्स निकली होती हैं। ये स्ट्रक्चर जो कि ये फर्टिलाइज कंडीशन में है, दिस वन अभी अभी बिल्कुल नया नया फर्टिलाइज होता है। देखिए अभी भी स्टेमेंस इस पे कुछ जुड़े हुए हैं, बट अब ये स्टेमेंस धीरे धीरे शेड ऑफ हो जाएंगे, ये सूख जाते हैं और फिर ये धीरे धीरे ग्रो हो जाता है कंप्लीट कैप्स्यूल में। तो मेल पोर्शन ये था जो एंथर्स थे, बहुत सारे नीचे भी गिर गए न्यूमरस, और फीमेल पोर्शन यहाँ बीच में होता है जो फर्टिलाइज होकर अब कैप्सूल फॉर्म में हो गया है। सो दिस इज़ अ टिपिकल फ्लावर ऑफ द आर्जिमोन मैक्सिकाना। अब इसके टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं और इसको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो इस फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत सारी हैं, जैसे आर्जिमोन मैक्सिकाना, इसे शैल कंटक कहा जाता है, जिस प्लांट जिसको हम देख रहे हैं, जिसके ट्विग को हमने यहाँ पे कट करके देखा है। एक्चुअली ये उत्तर प्रदेश में जो ऊसर लैंड होती है, जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, लैंड को रिक्लेम करने के लिए, फिर से सही करने के लिए। द सीड्स आर द सोर्स ऑफ सेमी ड्राइड, जो इसको कट करने के बाद इसमें सीड्स होंगे मेच्योर कैप्सूल में से, दीज आर द सोर्स ऑफ ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट की तरह इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इस फैमिली का एक प्लांट होता है अफीम, उसको बोलते हैं पॉपी, दिस इज व्हाट पॉपी। तो पॉपी जो प्लांट होता है, इसको पेपेवर सोमनी फेरम कहा जाता है। इस
ये हर्बेसियस होता है, इससे लेटेक्स जो मिलता है, लेटेक्स से जो इमेच्योर फ्रूट होती है जिसको ओपियम कहा, वहाँ से काट के निकाला जाता है। ये वाइट कलर्ड की होती हैं, इनसे बहुत सारी मेडिसिनल चीज़ें बनाई जाती हैं, और हर बहुत बड़ा मेडिसिनल प्लांट है। मैक्सिमम ऑफ द मेडिसिन में इनका यूज़ होता है। इसके अलावा कुछ लोग इसे नशे के लिए भी यूज़ करते हैं, अफीम को। इसके अलावा इसमें जो फर्टिलाइज्ड फ्रूट्स बन जाते हैं, जिन्हें पोस्ता कहा जाता है, पोस्ता दाना। सो पोस्ता इज़ यूज्ड टू कीप हेल्दी द पर्सन, पर्सन को दिया जाता है, और उसे साथ ही साथ एनर्जी के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसी और कुछ पॉपीज होते हैं, जैसे कैलिफोर्निया पॉपी, लाल पोस्ता, दीज आर यूज एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ये फैमिली पेपावरेसी से बिलोंग करते हैं, इसको पॉपी फैमिली कहा जाता है। और जो हमने प्लांट स्टडी किया वो है आर्जिमोन, या आर्जिमोन मैक्सिकाना इन बोटेनी, इट इज आर्जिमोन मैक्सिकाना। इसके हैबिट की बात करें तो ये एक एनुअल हर्ब होता है, और इसके अलावा ये पेरेनियल भी हो सकता है। कुछ प्लांट्स आर्जिमोन मैक्सिकाना नहीं, कुछ और प्लांट्स इस फैमिली की जो पेरेनियल हो सकती हैं। इसके अलावा ये मिल्की कलर्ड टाइप के लेटेक्स को शो करते हैं, जैसे उसकी बात करें, अफीम की बात करें, तो उसमें मिल्की वाइट होता है, और आर्जिमोन में येलविश कलर का या कलरफुल कलर का लेटेक्स निकलता है इसको बीच में से तोड़ने पे। रूट इनकी टैप रूट होती है, ब्रांच स्टेम की बात करें तो ये ब्रांच्ड होती हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं। इरेक्ट सिलेंड्रिकल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, नोड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा लीव्स लीव्स सेसाइल होती हैं, यानी इनमें कोई भी पेटल नहीं, पेटलाइट कंडीशन नहीं होगा, ये इसमें कोई डंठल नहीं पाई जाएगी, और रेटिकुलेट वेनेशन के साथ होंगी। सिंपल होती हैं, टूथेड रिंग मार्जिन होती है जिसमें कि दांत वगैरह पाए जाते हैं या कांटे निकले होते हैं। काउलाइंट होती हैं क्योंकि ये मेन स्टेम पे लगी होती हैं। इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो सॉलिटरी होते हैं और एक्जिलरी होते हैं। फ्लावर ब्रैक्टीएट होता है, एक्टिनोमार्फिक यानी कंप्लीट होता है, बाइसेक्सुअल होता है कंप्लीट। इसके अलावा हर्माफ्रोडाइट कह सकते हैं, मोनोशियस होगा, मेल फीमेल एक ही साथ होंगे। ओवरी सुपीरियर होगी यानी हाइपोगाइनस कंडीशन होगा। देन कैलिक्स की बात करें, ये नॉर्मली कैलिक्स 3 to 5 हो सकते हैं, बट स्पेशली 3 ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे, इसलिए 3 सेपल्स जुड़े होंगे। पॉलीसेपल्स बहुत जल्दी गिर जाते हैं, इसलिए जो हमने प्लांट देखा उसमें दिखा नहीं, ये बहुत जल्दी शट ऑफ हो जाते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन या वॉल्वेट एस्टिवेशन भी मिलता है। कोरोला पेटल्स 4 से 6 हो सकते हैं, अभी हमने जो देखा प्लांट उसमें 4 थे। पॉलीपेटलस यानी अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग, ब्रिलियंट या ब्राइट कलर्ड होते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। एंड्रूसियम इनफाइनाइट बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट स्टेमेंस, मोनोथिकस एंथर जुड़े होते हैं, साथ ही साथ पॉली एंड्रस कंडीशन होती है, बेसी फिक्स्ड होता है। गाइनोसियम की बात करें, ओवरी सुपीरियर होती है, पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है, एंड 2 to many या 2 से 7 नॉर्मली कहा जाता है, 2 से 7 पिस्टल्स होते हैं, सिन कार्पस होते हैं, जुड़े होते हैं। इनके फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो फ्लोरल फार्मूला ब्रैक्टीएट, एक्टिनोमॉर्फिक, कंप्लीट, कैलिक्स 3, कोरोला 3+3 या 2+2, जो भी प्रेजेंट होगा, जो भी फ्लावर या प्लांट आइडेंटिफाई करेंगे उसके हिसाब से हम फार्मूला लिखेंगे। एंड्रोसियम इनफाइनाइट, गाइनोसियम 2 to 7 एंड इट इज सुपीरियर। फ्रूट की बात करें तो इसको कहते हैं कैप्सूल, इसके फ्रूट को कैप्सूल कहा जाता है। अब इसके फ्लोरल डायग्राम को देखते हैं, ये आर्जुमोन मैक्सिकाना का फ्लोरल डायग्राम है। देखिए, दिस इज द मदर एक्सिस एंड 1 2 3 3 हो गए सेपल्स। देन पेटल्स की बात करें, 1 2 3 एंड 1 2 3, यानी 2 होल में अरेंज्ड हैं, 3 और 3 6, कई बार ये 4 ही दिखते हैं, तो 2+2 के होल में अरेंज होते हैं। इसके बाद ये जो डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर्स बने हैं, दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शंस विच आर, मतलब एंथर्स की बात हो रही है, इनफाइनाइट इन नंबर्स, तो इनको 2 होल में अरेंज कर दिया गया है। इसके बाद गाइनोसियम या फीमेल की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे पेराइटल प्लेसेंटेशन के साथ शो किया गया है। दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ आर्जिमोन मैक्सिकाना, और इसी के साथ ये डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।